हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आप लोगों को उच्चिष्ट और निम्निष्ट एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट वन बताया गया है, 5 क्वेश्चन तक। पार्ट टू में हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। पार्ट टू में आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तो लगभग एक ही है। आप कहेंगे सर कैसे एक ही है, उसको समझाइए। तो ध्यान से देख लीजिए कि एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि अंतराल 0.2π पर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 3x उच्चिष्ट निम्निष्ट हो उसको ज्ञात कीजिए, या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 कुछ भी दे सकता है। तो आपको रूल वही लगाना है जैसे 1 से 5 के बीच कल क्वेश्चन बताया गया था। पहले एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, यानी अवकलन करने के बाद 0 करके हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही x की वैल्यू फाइंड होती है, आपको तुरंत फिर से इसका क्या करना है, अवकलन। जैसे ही अवकलन करेंगे आप लोग, उसकी वैल्यू रख के उच्चतम और निम्नतम वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। उच्चतम निम्नतम किस पर है, वह आपको मान इसमें रखना है। उच्चतम और निम्नतम की वैल्यू प्राप्त होगी लास्ट में जब सब कुछ साल हो जाए। तो 0 एक बार रखना है, इसी में एक बार 2π भी रख के साल करना है और कुछ नहीं करना है, सेम सेम, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, चलिए साल करके देखेगा, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। चलिए हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 24 है। मान लीजिए, माना एक संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 24 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल 24 है। अगर एक x मानेंगे, दूसरा 24 माइनस x। देखिए, इसके पहले आप लोगों को जब एग्जाम्पल बताया गया था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम था, आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। कर जिनका गुणनफल उच्चतम, जिनका गुणनफल, गुणनफल कौन कौन, इन्हीं दोनों संख्याओं का, एक संख्या एक्स और दूसरा 24 माइनस x का गुणनफल जो बराबर हो, वह क्या हो, उच्चतम हो। यहाँ पर निम्नतम लिखा हो चाहे उच्चतम लिखा हो, आपको डायरेक्टली उसको किससे डिनोट करना है, एफ ऑफ एक्स से। अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कहेंगे कैसे, तो आप लोग इसके पहले वाला एग्जाम्पल्स देखेंगे, सब कुछ पढ़ाया गया, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अवकलन करके x की जो वैल्यू आएगी वही आपका उत्तर कहलाएगा। चलिए, 13वें क्वेश्चन के बाद हमारा आता है 14वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों सेम टू सेम ही है। करा ऐसी दो संख्याएं, दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए, यानी पहली ही संख्या दे दिया है, दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ताकि x प्लस y बराबर 60, यानी पहले ही कह दिया है कि संख्याओं का योगफल बराबर कितना दिया दिया है, 60, ठीक है ना। फिर क्या कहा है, और एक्स वाई क्यू उच्चतम। अब एक चीज समझिएगा, हमने क्या कहा, उच्चतम और निम्नतम जिसको कहेगा उसी को आप लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स वाई क्यू दिया गया है, या अभी रहने दीजिए इसको, ठीक है। आप लोग इसमें देखिए, एक्स प्लस वाई का मान 60 दिया गया है, कह रहा है एक्स वाई क्यू उच्चतम। अब इसमें निम्न कौन है, यक्स है कि वाई है, छोटी घात किसकी है, देखिए यक्स की ही तो घात छोटी है, जिसकी घात छोटी है उसी की वैल्यू ज्ञात करेगी। कैसे, इस समीकरण से, क्या यक्स की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, 60 प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई आएगा, यक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। जब यक्स की वैल्यू फाइंड हो गई तो इसी में रख दीजिए, किसका मान है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स वाई क्यू, एक्स की जगह 60 माइनस वाई रखना है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की जगह 60 माइनस वाई और बगल में वाई क्यूब। अब ये चीज, जब यह प्रश्न वाई में है तो एफ ऑफ एक्स ना कहकर हम इसको एफ ऑफ वाई से ही डिनोट करें, बेटर रहेगा। चलिए, इसके बाद आ जाएगा एफ ऑफ वाई बराबर, अंदर मल्टीपल हो सकता है, 60y³ - y⁴। अब हमारा यह तो अभी प्रश्न आया है, अब इसका अवकलन करना बाकी है। जब अवकलन करेंगे, एफ डैश वाई बराबर घात वाला पहले 36 18 180y घात में एक कम हो जाएगा, माइनस यह भी घात वाला पहले घात में कम। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए हम इसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, 0, तो बचेगा क्या, 180y² - 4y³ = 0। कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, 4 निकल जाएगा, 4 से भाग करिए इसमें, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर माइनस 4 निकल जाएगा तो वाई स्क्वायर निकल जाएगा, तो वाई और बराबर 0। एक बार वाई बराबर 0 आएगा,
अब एक बार 45 माइनस वाई को जीरो करेंगे तो y का मान 45 आएगा, यानी y की दो वैल्यू आई, एक जीरो आया है एक 45 आया है। तो यह y बराबर जीरो किस में रखेंगे, इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तब भी y का मान जीरो पर जीरो ही आएगा, अर्थात यह वैल्यू हमारा होगा नहीं। y बराबर तब क्या लेंगे, 45, यही आपका उत्तर है। y का मान एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या क्या आएगा, x प्लस y का मान 60 है, y की जगह क्या रखेंगे 45, इसी में रख दीजिएगा, x का मान चाहिए तो 60 माइनस y लिखा है, y जगह 45 क्या आ जाएगा 15, यानी एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या क्या आएगी 15 आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यह क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे 15 में, कैसे हम हिंट दे रहे हैं, कह रहा है वह संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 35 हो। अब एक संख्या x दूसरी संख्या 35 माइनस x मत मानिएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारी संख्याएं हैं x और y में दी गई हैं, x प्लस y का ही तो मान 35 दिया गया है। अब इसमें छोटी घात किसकी है, देखिए x की घात छोटी है तो इससे x की वैल्यू याद कर लीजिए 35, वाई धारागत माइनस वाई इसी में रख दीजिए, एफ हाफ वाई बराबर x का स्क्वायर है, x की जगह 35 माइनस वाई का स्क्वायर, अब बगल में क्या है वाई की घात है 5, याद है क्लियर है। अब एफ हाफ वाई बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए, तो या तो डायरेक्टली इसका क्या कर देंगे अवकलन, अवकलन कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट मान के इसको सेकंड मान के, या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे फिर अंदर गुणा करेंगे तब भी आपका अवकलन आएगा। ठीक है, नहीं तो दिखा दे रहे हैं, एफ हाफ वाई बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 35 दूनी 70 वाई, और बगल में क्या है वाई की घात है 5, अब वाई की घात है 5 का सबका गुणा करके अवकलन करना आता है, जीरो करके वाई की वैल्यू फाइन कर लीजिएगा, वाई का जो मान आएगा इसमें रख दीजिएगा, एक्स की वैल्यू फाइन हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्योंकि इसके पहले वाला यही क्वेश्चन बताया गया है इसलिए इसको हम पूरा साल नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16। अब इसमें हमको दोनों संख्याएं x और y तो दी नहीं गई हैं, तो क्यों ना एक संख्या x माना जाए, 15वां लगा रहे हैं, 16वां कौन सा है, 16वां। चलिए ऐसी दो धन संख्याएं, माना एक संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी 16 है, तो 16 माइनस x आएगा। करा जिनके घनों का योग निम्नतम हो, घनों का योग घन कर दीजिए, पहले का घन x क्यूब प्लस दूसरे का घन 16 माइनस x का होल क्यूब का मान क्या हो, निम्नतम हो चाहे उच्चतम, डायरेक्टली किससे डिनोट करना है, f ऑफ x से, अवकलन करेंगे उत्तर आएगा, देखिए कैसे f ऑफ x बराबर घात वाला पहले 3x स्क्वायर बीच में प्लस, इसका भी अवकलन होगा घात वाला पहले तो 16 माइनस x और अंदर वाले का फिर से अवकलन, तो 16 का 0 और माइनस x का क्या आएगा माइनस 1 और घात में एक कम था। ठीक है, अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए इसको हम क्या कर देते हैं 0, ये हमारा 0 होगा 3x स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस और माइनस 3 कोष्टक में 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, क्या करेंगे दोनों क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 16 माइनस x का स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, या x स्क्वायर यह माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में 16 माइनस x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपका x बराबर 16 माइनस x, माइनस x इधर आएगा तो प्लस x, और x x में फिर 2x बराबर 16 तो 2 बटे 16 x का मान क्या आएगा 8 आएगा। जब x का मान 8 है, एक संख्या 8 दूसरी संख्या 16 माइनस x, 16 में से 8 गया 8 वो भी तो 8 ही आएगा, तो प्रूफ तो हो गया, साल भी हो गया, दोनों संख्या क्या है 8 और 8 ही रहेंगी। अगर उच्चतम निम्नतम देखना है, उच्चतम का मतलब माइनस में आना चाहिए, तो इसका एक बार फिर से अवकलन कर दीजिएगा, किसका इसका फिर से अवकलन करेंगे या वैल्यू रखेंगे, अगर माइनस में आ रहा है तभी तो हमारा प्रूफ होगा, तो अगर चेक करना चाहते हैं उच्चतम और निम्नतम तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे है सॉल्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं समझ में आया है।